भाजपा के पालक संयोजक सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने मंच पर ना चढ़ पाने से गुस्साए कुछ कार्यकर्ताओं ने धर्मश्री स्थित कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया का पुतला फूंककर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी आक्रोशित कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट भी की और हंगामा करते हुए वहां से चले गए। चंद मिनट पहले जिस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा को सबसे अनुशासित पार्टी बताया था, उसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय में बचाए गए उत्पाद से स्थानीय संगठन हरकत में आ गया और आनन फानन में मारपीट और पुतला जलाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया। जी भाजपा का विरोध कर रही है, कारण क्या है? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सागर आए थे, इसमें समस्त कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया गया था। इसमें महिला मोर्चा की बहनें भी थी, उसे महिला मोर्चा की नगर की अध्यक्ष मेघा दुबे जी, महिला की अध्यक्ष लता बानखेड़ जी और सविता साहू जी, पूरी बहनें थी। और इसमें माननीय मांझी उसकी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रीति नायक जी थी, उनके पति के लिए विनोद गोटिया जी ने ऐसे भगाया जैसे वो एक कांग्रेसी हों। आज जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, ना कि कांग्रेसी जाएंगे। उनके लिए तुम ऐसे धक्के मार के भगा रहे हो जैसे वो कांग्रेसी हों। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी विपक्ष भली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनने ऐसे राजू नायक के लिए भगाया जैसे वो एक कांग्रेसी हों। हमारा अमित शाह जी निवेदन है और हमारे राष्ट्रीय लेवल से निवेदन है कि विनोद गोटिया पे कार्रवाई की जाए। वो अपनी तानाशाही सागर में ऐसे ही अपना रहे हैं जैसे वो यहाँ के किंग हो, लेकिन कार्यकर्ता किंग होता है ना कि कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता किंग होता है। हमारा आपके द्वारा माध्यम से यह निवेदन है कि विनोद गोटिया जी को सलाह दी जाए कि कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। आज कार्यकर्ता चुनाव जिताता है और कार्यकर्ता चुनाव होता है, आगामी चुनाव लोकसभा का है, यही कार्यकर्ता चुनाव करेगा, ना कि विनोद गोटिया जी आके सागर में काम करें। इनको कौन जानता है सागर में विनोद गोटिया? या भारतीय जनता पार्टी को लिए जाया जाता है, वही लोग जीतते हैं। आज नगर का विधायक जी माननीय शैलन जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद विनोद गोटिया जी कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं। हम विनोद गोटिया को विरोध करेंगे और करते रहेंगे। विनोद गोटिया विनोद गोटिया। वही खबरों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने कार्यकर्ताओं को सख्ती के साथ मंच पर चढ़ने से रोक दिया था। मंच पर चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं से उनकी तकरार भी हुई थी। इसी से कार्यकर्ता भड़क गए और जब अमित शाह मंच से भाषण दे रहे थे तभी कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया के नाम लिखा पुतला लेकर धर्मश्री स्थित भाजपा कार्यालय पहुंच गए। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में पुतले को आग के हवाले कर दिया और कई देर तक हंगामा किया। जब कार्यालय में कर्मचारियों ने उन्हें रोकना चाहा तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी पीट दिया